वेरी गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू स्टडी आई की जुडिशरी आज से हम स्टार्ट करेंगे सी पी सी की रेपिड रिविज़न फॉर द पर्पज़ ऑफ डी जे एस प्रेलिम्स ठीक है और uh, हम सी पी सी को कोशिश करेंगे कि हम छः दिन में कवर कर दें सो राइट फ्रॉम टुडे टिल ट्वेंटी नाइन्थ ठीक है ट्वेंटी नाइन्थ को uh, तक हम कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर दें बीच में देर इज़ वन संडे ऑल्सो तो हम जो हैं थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो आपको थोड़ा सा इट विल बी बेटर कि आप हल्का सा अपनी तरफ से रिवाइज़ करके रखें पहले से पढ़ के रखें सो दैट इट कैन बी अ मीनिंगफुल रिविज़न फॉर यू ठीक है और सब्जेक्ट uh, स्टार्ट करने से पहले आई टेल यू कि अगर आप स्टडी आई की जुडिशरी से लाइफ फाउंडेशन बैच में एनरोल uh, कराना चाहते हैं और जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं और फुल uh, ईयर अगर कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई माई कोड माई कोड इज पी आर लाइव पी आर एल आई वी पी आर लाइव यह कोड यूज़ करके यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट राइट सो चलिए स्टार्ट करते हैं सी पी सी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अब देखिए सी पी सी को पढ़ने का तो बेस्ट तरीका तो है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो यू मस्ट रीड इट टॉपिक वाइज आपको इसे टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए राइट बट दिस इज़ अ रेपिड रिविजन सीरीज़ ये एक रेपिड रिविजन सीरीज़ है और पर्पज़ ये है कि आप इसमें प्रेलिम्स में आए हुए क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओ तो उसके लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ रट्टा भी आपको मानना पड़ेगा सेक्शंस का और ऑर्डर्स का तो बेस्ट यही रहेगा कि वी विल कवर सी पी सी इन दिस सेक्शन इन दिस सीरीज़ सेक्शन वाइज तो हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे सो फर्स्ट वी विल डील फ्रॉम सेक्शन वन टू वन फिफ्टी एट और उसके बाद हम ऑर्डर्स भी करेंगे ऑब्वियसली वी कैन नॉट कवर ईच एंड एवरी सेक्शन एंड ईच एंड एवरी रूल इन दी ऑर्डर्स सो हम जो है ऑर्डर्स uh, में तो स्पेशली वी विल बी जंपिंग फ्रॉम वन इम्पोर्टेंट ऑर्डर टू अनदर इम्पोर्टेंट ऑर्डर सिर्फ इम्पोर्टेंट रूल्स हम करेंगे बट सेक्शंस में आई एल ट्राई कि मोस्ट ऑफ दी सेक्शंस मैं आपको कराई दूँ नेवर द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट सेक्शंस हम एक भी नहीं छोड़ेंगे सी पी सी का राइट right? वी विल नॉट लीव एनी सिंगल इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दी सी पी सी तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि सिविल सिविल प्रोसीजर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है द आंसर इज द आंसर इज एंट्री थर्टीन लिस्ट थ्री ऑफ शेड्यूल सेवन यानी कि शेड्यूल सेवन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके अंदर आपके यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर जो थर्ड लिस्ट है दैट इज़ द कॉन्करेंट लिस्ट उसके अंदर थर्टीनथ एंट्री है जिसमें सिविल प्रोसीजर लिखा हुआ है दैट मीन्स इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर इन दी कॉन्करेंट लिस्ट और क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है तो दैट मीन्स इस पे स्टेट्स भी लॉ बना सकती हैं और हमारा जो पार्लियामेंट है यूनियन का पार्लियामेंट है वो भी आपके लॉज बना सकता है सर yes. so बेरेक्ट को लेकर बैठे ना सिर्फ येस सो यू मस्ट हैव अ पेंसिल एंड एक्ट इन योर हैंड आपके हाथ में पेंसिल और एक्ट होना ही चाहिए नाउ सीपीसी सिविल प्रोसीजर नामे ही प्रोसीजर है सो दिस इज़ अ प्रोसीजरल लॉ यह प्रोसीजरल लॉ है ठीक है एंड ऑल द प्रोसीजरल लॉज आर रेट्रोस्पेक्टिव तो अनलेस एंड अनटिल आपको कोई स्पेशल केस हो या फिर कोई स्पेशल जजमेंट हो आपको अपनी तरफ से यही लिखना है कि जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं दे आर रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन अब जो सी पी सी है इट इज बेस्ड अपॉन दी प्रिंसिपल ऑफ ऊ बी जस ई बी रेमेडियम सो ऊ बी जस ई बी रेमेडियम का मतलब है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी तो जो आपका राइट right की बात है राइट कम्स फ्रॉम सबस्टिव लॉ आपका जो राइट right है जहां से हमारा कोज ऑफ एक्शन आएगा जहां से हमारा ऑफ ऑफ एक्शन आएगा दैट इज पार्ट सो कभी भी अगर आपका राइट right है और वो राइट right हो गया है सो so, अगर आपका राइट right वॉयलेट हो जाता है दैट यू हैव अ ऑफ एक्शन और कभी भी अगर आपके पास कोज ऑफ एक्शन है तो आपके पास एक लीगल रेमेडी भी है दैट इज लीगल रेमेडी थ्रू कोर्ट्स तो अगर आपके पास कभी भी कोज ऑफ एक्शन है आपका कोई राइट right वॉयलेट हुआ है नाउ राइट right, कम्स फ्रॉम सब्सटांटिव लो ये सबस्टान्टिव लो का पार्ट है लेकिन अगर किसी ने आपके राइट right को वोलेट किया है आपके पास कोज ऑफ एक्शन है तो आपको जो लीगल रेमेडी मिलेगी थ्रू द कोर्ट्स कोर्ट से जो लीगल रेमेडी मिलेगी दैट इज कवर्ड अंडर सीपीसी पी कि कोर्ट्स के अंदर आपको रेमेडी या रिलीफ कैसे मिलेगा कोर्ट्स में आपको रेमेडी कैसे मिलेगी दैट इज योर सीपीसी अब देखिए सी पी सी अगेन स्टार्ट करने से पहले वैन एवर यू रीड सी आर पी सी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी आप सी आर पी सी पढ़ते हैं तो सी आर पी सी के जो स्टार्टिंग के कुछ सेक्शंस हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के जो स्टार्टिंग के कुछ सेक्शंस हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि सी आर पी सी एस्टाब्लिश क्रिमिनल कोर्ट्स उसमें क्रिमिनल कोर्ट्स को वो एस्टाब्लिश करता है दैट इज द एंटायर मैजिस्ट्रेसी कि भैया पहले जुडिशल मैजिस्ट्रेट होना चाहिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास देन आपके सेशन कोर्ट्स होने चाहिए सो so, सारी की सारी मजिस्ट्रेसी जो है इट इज़ क्रिएटेड इट इज़ एस्टाब्लिश्ड बाय सीआरपीसी सीआरपीसी उसको एस्टैब्लिश करता है लेकिन सीपीसी जो है वो सिविल कोर्ट्स को एस्टाब्लिश नहीं करता सी पी ये नहीं कहता है कि देयर मस्ट बी अ सिविल कोर्ट देयर मस्ट बी अ सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन देयर मस्ट बी अ सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन देयर मस्ट बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा कुछ नहीं कहता है ठीक है सो सी सी जो है इट डज नॉट एस्टाब्लिश एनी सिविल कोर्ट सिविल कोर्ट को एस्टैब्लिश नहीं करता है इट प्री सपोजिज द एग्जिस्टेंस ऑफ सिविल कोर्ट्स यह पहले से ही मान करके चलता है कि भैया सिविल कोर्ट है सिविल कोर्ट है तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है अगर सीपीसी सिविल कोर्ट्स को एस्टाब्लिश नहीं करता है तो सिविल कोर्ट्स को कौन से एक्ट ने इस्टेब्लिश किया है सो द आंसर इज द आंसर इज द पंजाब कोर्ट्स एक्ट देखिए पंजाब कोर्ट्स एक्ट अगर आपके सिलेबस में है या फिर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली पे भी पंजाब कोर्ट्स एक्ट ही लगता है और पंजाब कोर्ट्स एक्ट के अंदर आपके सिविल कोर्ट्स को एस्टाब्लिश किया गया है ना ही केवल सिविल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया है पंजाब कोर्ट्स एक्ट में सिविल कोर्ट्स की पैक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो भी वो भी आपको पंजाब कोर्ट्स एक्ट में ही बता रखी है सो पैक्यूनरी जुरिस्टिक्शन इज द मोनिटरी जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट्स की जो पैक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होगी वो कहाँ बता रखी है पंजाब कोर्ट्स एक्ट में बता रखी है और क्योंकि आप दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर सिविल कोर्ट्स की पैक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितनी है तो देखिए पैक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि सिविल कोर्ट्स को दिल्ली में तीन हिस्सों में डिवाइड किया है फर्स्ट इज योर सिविल जज देन योर डिस्ट्रिक्ट जज देन हाई कोर्ट हाई कोर्ट के पास भी ऑर्डिनरी सिविल है कुछ सूट्स होते हैं जो डायरेक्टली हाई कोर्ट में ही आप फाइल करते हैं उनकी ट्रायल भी हाई कोर्ट में ही होती है राइट right? सो so उसको कहते है, हैं ऑर्डिनरी सिविल ज्यूरिस्टिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स अब सिविल कोर्ट्स जो है दिल्ली में वो तीन लाख तक के मैटर्स सुन सकते हैं तीन लाख डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो तीन लाख से लेकर के तीन लाख से लेकर के दो करोड़ रुपए तक के मैटर्स को डिसाइड कर सकते हैं और दो करोड़ रुपए से ऊपर के जितने भी मैटर्स हैं दो करोड़ रुपए से ऊपर के जितने भी मैटर्स हैं वो हाई कोर्ट आपका डिसाइड करेगा सो so, दिल्ली के अंदर जो आपकी जुरिसडिक्शन है सिविल कोर्ट्स की दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन और ये आपको आना चाहिए यू मस्ट नो दिस राइट अब देखिए वी विल स्टार्ट थोड़ी ही टाइम में हम बेयर एक्ट से स्टार्ट करेंगे पढ़ना बेयर एक्ट से ही हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे लेकिन बेयर एक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको बेयर एक्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हमारे सीपीसी के बेयर एक्ट में 158 सेक्शंस अठावन सेक्शंस है और उस सेक्शन के बाद है एक शेड्यूल जिसका नाम है द फर्स्ट शेड्यूल सेक्शंस के बाद एक शेड्यूल भी है जिसका नाम है द फर्स्ट शेड्यूल अब द फर्स्ट शेड्यूल में देखिए आपको पता होना चाहिए कि दो चीजें हैं द फर्स्ट शेड्यूल में फिफ्टी वन हैं और हर एक ऑर्डर्स में फर्दर रूल्स हैं सो फर्स्ट शेड्यूल में आपके फिफ्टी एट हैं हर ऑर्डर में आपके फर्दर रूल्स हैं इसके अलावा एट अपेंडिक्स भी हैं आठ अपेंडिक्स भी हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच तक ए से लेके एच तक आठ अपेंडिक्स भी हैं आपके फर्स्ट शेड्यूल में और इन अपेंडिक्स में क्या है इन अपेंडिक्स में है फॉर्म्स अगर आपने नहीं देखा है तो आप सी के बिल्कुल लास्ट में जा करके देख लीजिए अलग अलग टाइप के फॉर्म्स मिलेंगे आपको अलग अलग टाइप के फॉर्म्स मिलेंगे अलग अलग अपेंडिक्स में अलग अलग फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे राइट सो दिस इज योर एंटायर सी पी सी यह आपका एंटायर सी है हम हमारा जो टारगेट रहेगा हम हमारा टारगेट रहेगा कि ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्शंस uh, और ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑर्डर्स में जितना भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो हम सारे के सारे कवर करें दिस विल बी आवर टारगेट फॉर दी नेक्स्ट सिक्स डेज आज को इंक्लूड करके छह दिन में हमारा यही टारगेट रहेगा अब देखिए सीपीसी के अंदर अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो मेजर जो अमेंडमेंट आई थी दैट इज आफ्टर जस्टिस मलिमत कमेटी अब जस्टिस मलिमत कमेटी ने एक रिपोर्ट दी और वो जो रिपोर्ट थी उसका पर्पज क्या था टू रिड्यूस डिलेज कि भैया सिविल ट्रायल में डिले को आप कम से कम कैसे करें वो तारीख पे तारीख जो लगती रहती है उसको कम से कम कैसे करें तो इसके बेसिस पे देखिए 1999 में और 2002 में मेजर अमेंडमेंट्स हमारी सीपीसी में आई है 2002 की अमेंडमेंट तो सबसे ज़्यादा मेजर है तो आपको जहाँ कहीं पर भी टाइमलाइन अगर मिल जाएगी आपको सीपीसी में टाइमलाइन अगर मिल जाएगी कि इतने दिन में करना है इतने दिन में करना है इतने दिन में करना है, है परपज क्या है डिले कम से कम हो डिले कम से कम हो तो वो सारी की सारी 2002 की अमेंडमेंट से ही घुसाई गई है ठीक है अब ये जो 2002 की अमेंडमेंट है इट वाज चैलेंज्ड इन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन अ लैंडमार्क केस जिसका नाम है सेलम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सेलम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिस इज टू सुप्रीम कोर्ट अब 2005 सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2002 की जो अमेंडमेंट है 2002 की जो अमेंडमेंट है दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड दिस इज दिस अमेंडमेंट इज वैलिड ठीक है सो बेसिकली एडवोकेट्स को परेशानी होने लग गई थी कि अगर आप इतनी जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहेंगे तो हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा हम आ, डिले करना चाहते हैं आप डिले को रोक रोकिए मत तो उन्होंने सारे के सारे प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड है ये अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इसके अलावा अगर एक और मेजर अमेंडमेंट है दैट इज कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 सो कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 की वजह से भी आपके सीपीसी में काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट जो अमेंडमेंट है दैट इज ऑर्डर एट रूल वन में जहां पे रिटर्न स्टेटमेंट पे वो एक अमेंडमेंट है कि आपको एक टाइम फिक्स उन्होंने कर दिया है कि मैक्सिमम आपको नब्बे प्लस तीस यानी एक दिन के अंदर अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी उसके बाद वो एक्सटेंड भी नहीं हो सकता है ठीक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इन दिस सीपीसी सीरीज वी विल नॉट कवर द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट की आपकी amendments, आपके अमेंडमेंट्स ठीक है दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट आपके सिलेबस में तो आपको कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट अलग से पढ़ना है इस सीपीसी की सीरीज में हम नहीं करेंगे नाउ वी विल स्टार्ट दी बेरेक्ट अब देखिए बेरेक्ट भी हम टॉपिक वाइज नहीं कर रहे हैं तो कौन सा टॉपिक पूरी पिक्चर में कहाँ पर फिट हो रहा है दैट इज अपू यू ओनली मैं आपको एक बार हल्का सा बता देता हूँ कि सिविल कोर्ट्स के अंदर प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं सबसे पहले आप प्लेन्ट फाइल करते हैं प्लेन फाइल करते हैं जिसको हम कहते हैं कि आपने सूट फाइल कर दिया सूट फाइल होने के बाद स्टार्टिंग में प्लीडिंग्स होती हैं प्लीडिंग्स का मतलब है दोनों पार्टीज आपस में प्लेन और रिटर्न स्टेटमेंट एक्सचेंज करेंगी प्लीडिंग्स के बाद आपके इशूज फ्रेम होंगे इशूज के फ्रेम होने के बाद आपकी ट्रायल चलेगी ट्रायल का मतलब होता है एविडेंसेस एविडेंसेस ट्रायल खत्म होने के बाद आपके आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे और आर्ग्यूमेंट्स के बाद आपका फाइनल जजमेंट या फिर डिग्री जो फैसला होता है वो पास हो जाएगा लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है जजमेंट या डिग्री पास होने के बाद एक केस में फैसला आ जाने के बाद देखिए दो पॉसिबिलिटीज पहली पॉसिबिलिटी यह है कि आप इस जजमेंट या डिक्री को एनफोर्स कराएंगे या फिर एग्जीक्यूट कराएंगे दिस इज नोन एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स तो जजमेंट के बेसिस पे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इस जजमेंट या डिक्री को चैलेंज कर दें अब चैलेंज करने के कई अलग अलग तरीके हैं आप चैलेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू आप चैलेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिविजन आप चैलेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अपील So, ये अलग अलग टाइप की प्रोसीडिंग्स भी हैं आपके सी में राइट तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप हमारी कौन सी जो टॉपिक कर रहे हैं वो कंप्लीट पिक्चर में कहां पर फॉल हो रहा है विद बैकग्राउंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन वन अब हम आपका सेक्शन वन सीपीसी से निकालेंगे नाउ वी विल गो फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन टिल टिल ट्वेल्व आज जो हमारा टारगेट रहेगा सेक्शन वन टू ट्वेल्व को हम कंप्लीट करेंगे ठीक है बिकॉज स्टार्टिंग के सेक्शंस आर लेंदी आपके डेफिनेशन uh, भी है और uh, क्योंकि डेफिनेशन है तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वी विल गो दिस इज द फर्स्ट क्लास थोड़ा स्लो हम चलेंगे कल से हम थोड़ा और फास्ट पढ़ेंगे चलिए तो देखिए सेक्शन वन में सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोज इज योर सेक्शन वन क्लोज टू जिसके अंदर डेट ऑफ कमेंसमेंट उसने बताया है तो सी कब से लागू हुआ है ये क्वेश्चन वो कई बार पूछ लेते हैं द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जनवरी 1909 अब देखिए सीपीसी उन्नीस 1908 1908 में वो पास तो हो गया था लेकिन लागू हुआ है यानी कि आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो है आपकी फर्स्ट uh, जनवरी 1909 जीरो फर्स्ट जनवरी 1909 ठीक है नेक्स्ट इज योर सेक्शन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सेक्शन है दैट इज द डेफिनेशन क्लोज सेक्शन टू अब देखिए सेक्शन टू के अंदर देर आर वेरियस डेफिनेशन आपको हर डेफिनेशन का नंबर पता होना चाहिए क्योंकि दिस इज वेरी सिली क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि डिग्री होल्डर जो है वो सेक्शन टू में कहाँ पर डिफाइंड है तो आपको ऑप्शन भी ऐसे ही देंगे सेक्शन टू क्लोज थ्री टू क्लोज फोर टू क्लोज फाइव टू क्लोज सिक्स वैसे तो इजी क्वेश्चन है बहुत सिली क्वेश्चन है लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो डायरेक्ट सेक्शन नंबर पे बेबेस तो यहाँ पे आपको मार्क्स लूज नहीं करने हैं तो यू मेक श्योर कि सेक्शन टू के अंदर आप सारी डेफिनेशन को दो दो तो तीन, तीन तीन बार सीरियल ऑर्डर में रट्टा मार लें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो ऑब्वियसली आपको पता होनी ही चाहिए तो फर्स्ट डेफिनेशन इज कोड अब कोड वर्ड कहां पर है सो so, हर जगह लिखा हुआ है आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कोड का मतलब क्या है सो so, कोड का मतलब है कि इट ओनली इंक्लूड सेक्शन केवल सेक्शन नहीं है इसमें आपके रूल्स भी हैं कोड की डेफिनेशन जो है इसका मतलब यह है कि इसमें केवल सेक्शन नहीं है रूल्स भी हैं अब ये रूल्स क्या है तो रूल्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्लोज एटीन तो एक बार जम करके टू क्लोज एटीन पर आ पाएंगे टू क्लोज एटीन में देखिए रूल्स में क्या डिफाइन कर रखा है अब कोड के अंदर सेक्शंस प्लस रूल्स हैं लेकिन रूल्स के अंदर देखिए क्या क्या है सबसे पहले तो रूल्स के अंदर रूल्स हैं और फॉर्म्स हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं तो रूल्स की डेफिनेशन के अंदर रूल्स तो आएंगे ही आएंगे फॉर्म्स भी आएंगे फॉर्म्स भी आएंगे तो मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर्स के अंदर तो रूल्स लिखे हुए हैं लेकिन उसके बाद अपेंडिक्स है। हैं अपेंडिक्स में फॉर्म्स लिखे हुए हैं सो फर्स्ट शेड्यूल में जो भी रूल्स और जो भी फॉर्म्स हैं वो सभी आपकी रूल की डेफिनेशन में आएंगी और रूल आएगा आपकी कोड की डेफिनेशन में और कोड है सी तो सी के अंदर ना केवल सेक्शन है बल्कि फॉर्म्स भी हैं रूल्स भी हैं दोनों चीजें हैं ठीक है एंड उसके अलावा देखिए देर आर सम रूल्स विच आर मेड अंडर सेक्शन 122 एंड 125 जब हम सेक्शन 122 और 125 करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट्स के पास भी पावर है रूल्स बनाने की ट के पास भी पावर है रूल्स बनाने की तो हाईकोर्ट जब रूल्स बनाता है तो वो एक रूल्स बनाता है तो वो जो हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं वो भी इसी रूल्स की डेफिनेशन में फॉलो करेंगे दैट दैट मींस मींस दे आर आल्सो पार्ट ऑफ सीपीसी हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए रूल्स भी दे आर आल्सो पार्ट ऑफ सीपीसी नेक्स्ट इंपोर्टेंट जब जजमेंट इज एंड द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट इन दर सी इज सी ज डेफिनेशन ऑफ डिक्री। अब ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी पूरे सीपीसी में टू क्लोज टू यानी कि डिग्री अब डिग्री में देखिए आप पॉइंट डाल लीजिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए so, सबसे पहले इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन तो एक औपचारिक रूप से लिया गया फैसला है एक औपचारिक रूप से लिया गया फैसला होती है डिग्री लेकिन कैसा फैसला कैसा फैसला पहली बात इट इज अ कॉन्क्सिवली कॉन्क्सिव एडजुडिकेशन कॉन्क्लुसिव का मतलब है कि जिस कोर्ट ने डिसाइड किया है उस कोर्ट की तरफ से फाइनल जिस कोर्ट ने डिसाइड किया है उस कोर्ट की तरफ से फाइनल फाइनल क्या होता है फाइनल का मतलब है दे आर नॉट इंटरलोक्यूटरी डिसीजन इंटरलोक्यूटरी डिसीजन नहीं है फाइनल फैसला ही है इंटरलोक्यूटरी डिसीजन नहीं है फाइनल फैसला ही है लेकिन फाइनल फैसला किस चीज का राइट्स ऑफ दार्टीज राइट्स ऑफ द पार्टीज अब राइट्स ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या है सबस्टांटिव राइट्स इंटर से सब सबस्टांटिव राइट्स इंटर से पहली बात तो सबस्टांटिव राइट्स क्या होते हैं सबस्टांटिव राइट होते हैं पार्टीज के एक दूसरे के अगेंस्ट ऑन मेरिट्स तो एक तो होते हैं प्रोसीजरल राइट्स प्रोसीजरल राइट्स होते हैं कि आप डब्ल्यू एस फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अब आप कोर्ट फीस लेट फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस टाइप के जितने भी प्रोसीजर से रिलेटेड है है ठीक है? होते हैं कि मेरिट्स पे आपके एक दूसरे के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं राइटांटिव राइट्स इंटर से तो पहला पॉइंट है कि एक डिसीजन होना चाहिए दूसरा पॉइंट एक फाइनल डिसीजन होना चाहिए कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और तीसरा ये कि वो राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिसाइड करेगा बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको डिग्री चाहिए तो किसी भी एप्लीकेशन में कोई डिग्री पास नहीं हो सकती कोई भी एप्लीकेशन में डिग्री पास नहीं हो सकती डिग्री हमेशा किस में पास होगी सूट में सो फॉर एग्जाम्पल देर इज एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन आपने एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर दी है सो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में जो डिसीजन आएगा क्या वह डिक्री हो सकती है नो no. सपोज करो आपने ऑर्डर सिक्स रूल सेवन में अमेंडमेंट ऑफ प्लेट की अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की एप्लीकेशन फाइल कर दी है इस एप्लीकेशन का जो डिसीजन आएगा क्या वह डिसीजन डिग्री होगा दी आंसर इज नो क्यों क्योंकि वो सूट में पास नहीं हुआ है वो किसी भी एप्लीकेशन में पास हुआ है एप्लीकेशन में वो पास हुआ है ठीक है चलो आगे देखते हैं क्या होगा एंड मे बी बस अब यहाँ पर रुक जाइए आप उसके बाद देखिए दो चीज़ें हमें पढ़नी है दो चीज़ें हमने पढ़नी है वी हैव रेड द डेफिनेशन ऑफ डिग्री डिग्री पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए देर इज समथिंग कोल्ड डीम्ड डिग्री डीम्ड डिग्री तो कोई चीजें ऐसी हैं जो डिग्री नहीं है लेकिन उनको मान लिया गया है उनको मान लिया गया है कि दे आर डिग्रीज उनको मान लिया गया है कि दे आर डिक्रीज उनको कहते हैं हम डीम्ड डिग्रीज अब ये डीम्ड डिग्री क्या होती है डीम्ड डिग्री में आपकी दो चीजें आती हैं तो फर्स्ट डीम्ड डिग्री इज योर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर सेवन रूल इलेवन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट सो so, अगर सात ग्यारह के अंदर जज साहब प्लेन को अगर रिजेक्ट कर देते हैं सो दैट विल बी दैट विल बी कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ डिग्री वो एक डिग्री मानी जाएगी दैट विल बी अ डीम्ड डिग्री जो आपकी दूसरी डीम्ड डिग्री है दैट इज सेक्शन 144 हंड्रेड एंड फोर्टी फोर रेस्टीट्यूशन एप्लीकेशन रेस्टिट्यूशन एप्लीकेशन को जब हम डिसाइड करेंगे हालांकि वो एक एप्लीकेशन होती है दैट इज नॉट अ सूट तो वैसे टेक्निकली वो डिग्री नहीं है लेकिन हमने उसको मान लिया गया है कि वो डिग्री है सो so सेक्शन 144 में जो डिसीजन आएगा कोर्ट का दैट इज ऑल्सो अ डीम्ड डिग्री अब इसके बाद देखिए एक तीसरे प्रकार की डीम्ड डिग्री भी थी एक तीसरे प्रकार की डीम्ड डिग्री भी थी और तीसरे प्रकार की डीम्ड डिग्री कौन सी थी आपकी सेक्शन 47 में जो एग्जीक्यूशन पिटीशन के अंदर क्वेश्चंस फाइल होते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर एग्जीक्यूशन पटिशन में जो क्वेश्चंस फाइल होते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर भी पहले डीम्ड डिग्री माना जाता था पहले डीम्ड डिग्री माना जाता था लेकिन 1976 में ये ये जो है आपकी डीम्ड डिग्री की डेफिनेशन में से डिलीट कर दिया तो आप इस क्वेश्चन पे बहुत सावधान रहिएगा कि सेक्शन 47 में जो क्वेश्चन फाइल होते हैं एग्जीक्यूशन पटिशन में क्या उनके आंसर्स डीम्ड डिग्री होते हैं दी आंसर इज नो वो 1976 से पहले डीम्ड डिग्री होते थे अब डीम्ड डिग्री नहीं होते हैं तो अब आपकी केवल वन एंड टू देर आर टू डीम्ड डिग्रीज अब ये डिग्री नहीं है लेकिन इनको डिग्री मान लिया गया है दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है वो डिग्री की डेफिनेशन में ये पढ़नी है कि दे आर सर्टेन थिंग्स जिनको डिग्री नहीं माना जाता दे आर नॉट डिग्रीज तो उसके अंदर द फर्स्ट थिंग इज अपीलेबल ऑर्डर्स अपीलेबल ऑर्डर कोई ऑर्डर है ज वन ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे देर इज वन ऑर्डर जिसमें अपील आप फाइल कर सकते हैं अब ये अपीलेबल ऑर्डर आपके कहां, कहां पर लिखे हुए हैं आपको ये भी पता होना चाहिए इसके लिए यू कैन रेफर सेक्शन वन जीरो फोर एंड ऑर्डर फोर्टी थ्री रूल वन सो सेक्शन एक सौ चार में और ऑर्डर फोर्टी थ्री रूल वन में आपके अपीलेबल ऑर्डर आपको मिल जाएंगे अब जो ये अपीलेबल ऑर्डर है ना इनसे अपील आप कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिक्री बन गई है आर नॉट डिग्रीज सो अपीलेबल ऑर्डर्स आर ग्रीज दे डिग्री वो डिग्री नहीं है और दूसरे जो हैं जिनको डिग्री नहीं माना जाएगा दूसरे जो हैं जिनको डिग्री नहीं माना जाएगा सो एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट को आप डीम्ड डिग्री नहीं मानेंगे इसके लिए यू कैन रेफर ऑर्डर नाइन रूल टू एंड रूल एट ऑर्डर नाइन रूल टू एंड रूल एट सो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट का मतलब है नॉन प्रोसिक्यूशन आप प्लेंटिफ ने कोर्ट में जाना ही छोड़ दिया है और आपका सूट डिसमिस हो गया है तो अगर सूट डिसमिस हो गया है आपके प्रोसिक्यूट ना करने की वजह से तो वो डिक्री नहीं होगी दैट इज नॉट अ डिक्री दैट इज नॉट अ डिक्री अब देखिए इतनी जितनी भी लड़ाई चल रही है कि डिक्री क्या होती है क्या नहीं होती है ये लड़ाई क्यों चल रही है बिकॉज ऑफ वन वेरी 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 बिग डिफरेंस ये जो डिक्री होती है और ऑर्डर होता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है जब हम अपील पढ़ेंगे तब भी मैं आपको फिर से रिमाइंड कराऊंगा और डिफरेंस ये है कि एवरी डिग्री इज अपीलेबल एवरी डिग्री इज अपीलेबल अनलेस बार्ड अनलेस बार्ड तो अगर कहीं पर कोई बार नहीं है कहीं पर कोई बार नहीं लगा रखा है तो हर डिग्री से आप अपील फाइल कर सकते हैं तो क्वेश्चन कई बार ये आता है सपोज करो किसी भी केस के अंदर फैसला आ गया क्या उस फैसले से अब हम अपील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते एंड दिस इज अ वेरी 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 राइट राइट तो अपील आप तब कर सकते हैं जब वो फैसला इज अनोवाइडेड अनलेस प्रोवाइडेड देखिए बिल्कुल उल्टा रूल है तो डिक्री के के केस में जनरल रूल क्या है अपील आई करेगी कोई एक्सेप्शन है तो अलग बात है

नॉट डिग्री दे आर नॉट डिग्री राइट अब डिग्री की डेफिनेशन में जो लास्ट पॉइंट रह गया है वो रह गया है टाइप्स ऑफ डिग्रीज तो सेक्शन टू क्लोज टू आपको तीन प्रकार की डिग्री भी बताता है तो सेक्शन टू क्लोज टू कहता है आपकी डिग्री सबसे पहले तो प्रीलिमिनरी डिग्री हो सकती है अब प्रीलिमिनरी डिग्री होती है वो डिग्री कि अभी सूट जो है वो पेंडिंग है सूट के अंदर कुछ प्रोसीडिंग्स अभी बाकी हैं अभी ये अंतिम सूट खत्म नहीं हुआ है इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका सूट फॉर पार्टीशन में पहले भैया आपको एक बटा सात मिलेगा आपको एक बटा सात मिलेगा आपको एक बटा सात मिलेगा, मिलेगा सबको इतना इतना मिलेगा तो सूट फॉर पार्टीशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल जिसके अंदर प्रीलिमिनरी डिग्री पास होती है दूसरे प्रकार की डिग्री होती है फाइनल डिग्री फाइनल डिग्री वो डिग्री होती है जिसके अंदर सूट जो है आपका वो डिस्पोज ऑफ हो गया है यानी कि कोर्ट के सामने अब सूट ही नहीं बचा है फाइनल डिग्री पास हो गई है सूट खत्म और तीसरे प्रकार की डिग्री हो सकती है पार्टली पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल आधी प्रीलिमिनरी और आधी फाइनल यानी कि आधे इश्यूज को तो आधे इश्यूज को तो उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया है आधे इश्यूज लेकिन बाकी बचे हुए हैं ठीक है तो ये जब आता है जब आपके मल्टीपल रिलीफ आप मांगे और मल्टीपल uh, इश्यूज जब पिक्चर में दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ डिग्री अंडर सेक्शन टू क्लोज टू डेफिनेशन ऑफ डिग्री अंडर सेक्शन टू क्लोज टू नेक्स्ट इंपोर्टेंट देखिए अब देखिए आगे मैं इंपॉर्टेंट तो बाद में बताऊंगा पर नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए डिग्री होल्डर अब डिग्री होल्डर में कोई भी व्यक्ति हो सकता है कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके फेवर में ऑर्डर या डिग्री पास हो गई हो सो so, कोई भी व्यक्ति जिसके फेवर में डिग्री हो या फिर किसी कोई ऐसा ऑर्डर हो जिसको एग्जीक्यूट आप करा सकते हैं उसे हम डिग्री होल्डर कहते हैं ठीक है उसके बाद देर इज़ डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए ये जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है देन फॉरन कोर्ट फॉरन कोर्ट माने जो सीपीसी से गवर्न नहीं होते हैं सो so, इंडिया के बाहर ऐसे कोर्ट्स जो जिन पे सीपीसी अप्लाई नहीं होता है दे आर फॉरेन कोर्ट्स फॉरेन जजमेंट जो किसी भी फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट पास करी है दैट इज फॉरेन जजमेंट ठीक है उसके बाद गवर्नमेंट प्लीडर इज सरकारी वकील देन हाई कोर्ट इंडिया जज जज मतलब एक सिविल कोर्ट का जज जज मतलब एक सिविल कोर्ट का जज देखिए क्रिमिनल कोर्ट के क्रिमिनल कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम मैजिस्ट्रेट बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बोलते हैं अ सिविल जज और अ जज मींस अ जज या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज योर जजमेंट जजमेंट की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिए जजमेंट से हमारे को जो जनरल हमारे दिमाग में रहता है वो ये होता है कि फैसला बट जजमेंट का मतलब फैसला नहीं होता है जजमेंट का मतलब होता है फैसले के पीछे के कारण कि किन कारणों की वजह से यह फैसला आया है फैसला तो होता है ऑर्डर जो फाइनल डिसीजन है ना फाइनल जो डिसीजन है दैट डिसीजन इज द ऑर्डर अब वो ऑर्डर भी हो सकता है डिक्री भी हो सकती है डिपेंडिंग कि वो सेक्शन टू क्लोज फोर्टीन में फॉल करेगा या टू क्लोज टू में फॉल करेगा लेकिन उस डिसीजन के पीछे क्या ग्राउंड थे उस डिसीजन तक पहुंचने के क्या रीजन्स थे उसे हम जजमेंट कहते हैं तो आम भाषा में जैसे जजमेंट माने फैसला आ गया फैसला आ गया जजमेंट आ गया इन no. नो जजमेंट का मतलब होता है कि डिसीजन uh, के पीछे क्या ग्राउंड थे क्या फिर उनका क्या रीजन था सो ग्राउंड ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर डिग्री और ऑर्डर होता है फॉर्मल एडजुडिकेशन एडजुडिकेशन माने फैसला एडजुडिकेशन माने फैसला और डिग्री भी एडजुडिकेशन होती है ऑर्डर भी एडजुडिकेशन होता है उस एडजुडिकेशन के पीछे क्या क्या ग्राउंड्स हैं क्या क्या कारण है उसे हम जजमेंट कहते हैं जब भी जजमेंट पास हो जाती है डिग्री पास हो जाती है तो एक डी होता है डिग्री होल्डर एक होता है जजमेंट डेटर ठीक है अब ये देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में है तो सीरियल नंबर याद करना आसान भी है दो क्लोज नो में जजमेंट दो क्लोज दस में जजमेंट डेटर राइट अब जजमेंट डेटर क्या कौन होगा जिसके खिलाफ फैसला आया है जिसके खिलाफ फैसला आया है नेक्स्ट डेफिनेशन इज योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो हम एस्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं होगा जो आपका खून का रिश्ता होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं होगा जो आपका कानून का रिश्ता होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होगा जो आपकी प्रॉपर्टी का रिश्ता होगा इसको हम प्रीवी इन एस्टेट कहते हैं प्रीवी इन एस्टेट यानी कि जो भी आपके बाद आपकी प्रॉपर्टी को संभालेगा दैट विल बी योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी व्यक्ति आपके बाद आपकी प्रॉपर्टी को संभालेगा दैट विल बी योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज योर मीन प्रॉफिट्स मीन प्रॉफिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट डेफिनेशन है अब देखिए मीन प्रॉफिट्स में दो चीजें आती हैं पहली तो वो प्रॉफिट्स और दूसरा उनके ऊपर इंटरेस्ट अब वो क्वेश्चन ये जरूर पूछते हैं मेन प्रॉफिट में क्या क्या आता है सो मेन प्रॉफिट सेक्शन टू क्लोज ट्वेल्व आपके क्या क्या आता है मीन प्रॉफिट्स में सो मेन प्रॉफिट्स में ना केवल आपके प्रॉफिट्स आते हैं बल्कि उन प्रॉफिट्स के ऊपर ब्याज भी आपका मेन प्रॉफिट्स में ही आता है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ध्यान रखना है लेकिन प्रॉफिट्स कौन से अब प्रॉफिट्स देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट जो कि डिफेंडेंट ने कमाए हैं या फिर या फिर माइट हैव बीन बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस सामान्य विवेक का प्रयोग करते हुए अगर वो जितने कमा सकता था सो so एक्चुअली कमा लिए हैं तो वो वो आपके मीन प्रॉफिट हो जाएंगे जितने कमा सकता था या फिर वो हो जाएंगे लेकिन कौन कमा सकता था वो व्यक्ति जो कि आपकी प्रॉपर्टी की रोंगफुल पोजेशन में है जो भी व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी की रोंगफुल गलत पोजेशन में है गलत कब्जा जिसके पास है उस व्यक्ति ने जितने एक्चुअल में जमा कमा, पैसे कमाए हैं वो प्रॉफिट्स या फिर वो जितने कमा सकता था आपकी प्रॉपर्टी से वो प्रॉफिट्स आपके मेन प्रॉफिट्स होते हैं प्लस उन प्रॉफिट्स पे इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डेफिनेशन इज वेरी सिंपल लेकिन दो तीन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी का मतलब है ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी सो मेन प्रॉफिट्स की जो डेफिनेशन है इट अप्लाइज ओनली इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आप इसमें जजमेंट भी लिख सकते हैं दैट इज लूसी वर्सेज मरियप्पा लूसी वर्सेज मरियप्पा नाइनटीन सेवनटी नाइन सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में कहा गया था कि मेन प्रॉफिट की डेफिनेशन केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में लगती है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जो मेन प्रॉफिट्स होते हैं मेन प्रॉफिट्स आर पीनल इन नेचर पीनल इन नेचर मतलब कि इनका पर्पज है सजा देना दे आर अ पेनल्टी पीनल इन नेचर मतलब एक पेनल्टी की तरह होते हैं अब ऐसा क्यों कहा जाता है ऐसा इसलिए कहा जाता है देखिए मेन प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने का जो बेसिस है जो आधार है वो आधार यह नहीं है कि प्लेंटिफ को कितना नुकसान हुआ है प्लेंटिफ प्लेंटिफ को कितना नुकसान हुआ है वो आधार नहीं है अगर प्लेंटिफ के नुकसान से हम कैलकुलेट करते तो ये सिर्फ कॉम्पनसेशन बन जाता डैमेजेस बन जाते लेकिन मेन प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने का आधार यह है कि भैया डिफेंडेंट को कितना फायदा हुआ है सो so, डिफेंडेंट को जितना फायदा हुआ है उतना आप वापस कर दीजिए दिस इज योर मेन प्रॉफिट है तो सिविल सिविल केस में भी पेनल्टी है मेन प्रॉफिट्स सिविल केसेस में भी पेनल्टी है वैसे सिविल केसेस में जनरली पेनल्टी का प्रोविजन नहीं होता है उसमें सिर्फ कॉम्पनसेशन या लॉसेस का प्रोविजन होता है लेकिन मेन प्रॉफिट इज वन ऑफ योर एक्सेप्शन मेन प्रॉफिट आपका एक पेनल्टी है एक पीनल नेचर का प्रोविजन है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज योर सेक्शन टू क्लोज फोर्टीन ऑर्डर दो क्लोज चौदह में ऑर्डर अब देखिए दिस इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन विच इज नॉट अ डिग्री विच इज नॉट अ डिग्री तो देखिए सपोज करिए सपोज करिए आपके सारे के सारे फॉर्मल डिसीजन हैं दे आर फॉर्मल डिसीजन्स अब डिसीजन्स या फिर एडजुडिकेशन एक ही बात है फैसला है ये सारे के सारे औपचारिक फैसले हैं किसी भी कोर्ट के किसी भी कोर्ट के इन फैसलों में से जो फैसले जो फैसले आपके सेक्शन टू क्लोज टू के क्राइटेरिया को फुलफिल कर देंगे जो भी जो भी फैसले आपके सेक्शन टू क्लोज टू के क्राइटेरिया को फुलफिल कर देंगे उनको हम डिग्री कह देंगे दीज आर डिग्री यह डिग्री क्यों है क्योंकि इन्होंने दो क्लोज दो की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर दी अब दो क्लोज दो की क्या रिक्वायरमेंट है सबसे पहले तो वो कॉन्क्लूसिव फैसला होना चाहिए दूसरा वो सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिसाइड करना चाहिए तीसरा वो किसी भी सूट में होना चाहिए ठीक है तो अगर ये सारी चीजें हैं तो वो डिग्री बन जाएगी लेकिन बाकी के ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि डिग्री वाली डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रहे हैं उनको हम कहेंगे ऑर्डर्स तो जो ये बाकी बच गए हैं दे आर ऑर्डर्स सो कोर्ट के डिसीजन को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कोर्ट के डिसीजन को आप कह सकते हैं कि ये डिग्री है बाकी के सारे डिसीजन बचे हुए ऑर्डर्स हैं बाकी के सारे डिसीजन बचे हुए ऑर्डर्स हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लोज फोर्टीन उसके बाद देखिए आप एक बार देख लीजिए फॉर एग्जांपल कहीं पर भी लिखा है प्रिस्क्राइब तो इसका मतलब है प्रिस्क्राइब बाय रूल्स आपको ऑर्डर्स देखने हैं देन पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन में एक जज भी आता है every officer of the court of justice is also come come within the definition of public officer every judge is a public officer CPC के लिए हर judge भी एक public officer है uh, members of all India services gazetted officers uh, military navy army सबके सारे के सारे public officers हैं उसके अलावा signed का मतलब includes stamped है signed includes stamped तो जज साहब को अगर कहीं पर भी लिखा हो साइन करने हैं दैट means उसको अपनी stamp भी मारनी है ठीक है उनको अपनी स्टैंप भी मारनी है सो so ये था आपका डेफिनेशन क्लोज दिस वाज योर डेफिनेशन क्लोज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री पर आ जाइए सेक्शन थ्री इज रिगार्डिंग सब ऑफ कोर्ट्स अब सेक्शन थ्री की अगर हम माने तो हर डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट के सब होता है हर डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट के अधीन होता है और हर सिविल जज हर सिविल जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अधीन होता है और यहां से वो आपके क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सिविल कोर्ट इज सबॉर्डिनेट टू ऑप्शन देंगे डिस्ट्रिक्ट जज नंबर टू कोर्ट नंबर थ्री बोथ नंबर फोर नन तो आंसर इज बोथ सो सिविल कोर्ट इज सबॉर्डिनेट टू बोथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स बोथ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स उसके बाद सेक्शन फोर जो है सेविंग्स क्लोज है कि सीपीसी लोकल लॉज को और स्पेशल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा सीपीसी जो है वो जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड से अगर रिकवरी ऑफ रेंट केसेस हैं उनको इफेक्ट uh, नहीं करेगा देन सेक्शन फाइव कहता है कि रेवेन्यू कोर्ट्स में भी रेवेन्यू कोर्ट कौन सी होती है जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जमीन को जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको डिसाइड करता है वो रेवेन्यू कोर्ट होता है तो रेवेन्यू कोर्ट्स को भी सीपीसी अप्लाई कर सकता है अब ये स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन से निकाल सकता है ऑल दीज से आर नॉट इम्पोर्टेंट ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको एक बार पढ़ने हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज योर सेक्शन सिक्स अब देखिए हम का टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए दो तीन पॉइंट्स पता होने चाहिए सबसे पहले तीन टाइप की होती है पहली है आपकी पैक्यूनरी जोरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन सिक्स पैक्यूनरी ज्यूरशन अंडर सेक्शन सिक्स नेक्स्ट इज योर सब्जेक्ट मैटर ज्यूरशन जिसके अंदर आपका सेक्शन नाइन है उसके साथ साथ आपको सेक्शन दस ग्यारह बारह ऑर्डर टू रूल टू ऑर्डर रूल ये सब भी पढ़ने हैं ठीक है थर्ड इज योर टेरिटोरियल जोरिस्डिक्शन टेरिटोरियल जोरिस्डिक्शन पैक्यूनरी का मतलब होता है कि कितने पैसे तक के मुकदमों को कोई भी कोर्ट डिसाइड कर सकता है सब्जेक्ट मैटर होता है कि किस प्रकार के केसेस को किस प्रकार के केसेस को कोर्ट डिसाइड करेगा और टेरिटोरियल जोरिस्डिक्शन का मतलब होता है कोई केस अगर कहीं का है तो उसे आप कौन सी कोर्ट में जाकर के फाइल करें सो so, दिल्ली के जो केसेस हैं वो दिल्ली में ही फाइल होंगे तमिलनाडु में जाकर क्या फाइल नहीं कर सकते दैट इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अब इसमें दो पॉइंट आप समझ लीजिए पहला पॉइंट तो ये है कि, कि किसी भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है यह वह कोर्ट ही डिसाइड करेगा सो so, हर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है कि वो अपनी स्वयं ज्यूरिस्डिक्शन भी डिसाइड कर ले सो एवरी कोर्ट हैज कॉम्पिटेंस टू डिसाइड इट्स ओन कॉम्पिटेंस तो किसी भी सिविल जज से आप पूछेंगे कि आप कौन सा केस डिसाइड करेंगे तो वो भी वो खुद ही बताएंगे कि मैं ही खुद बताऊंगा कि मैं कौन से कौन से को डिसाइड कर सकता पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो जुरिसडिक्शन होती है ना ये आपको लेजिसलेचर देता है लेजिसलेचर इन देंस पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर तो सी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एक्ट है या फिर आपका पंजाब uh, कोर्ट से एक ऐसा एक्ट है जहां पर कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन दे रखी है तो कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन केवल और केवल आपका लेजिसलेचर ही दे सकता है दिस इज लेजिस्लेटिव फंक्शन इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है पार्टीज किसी भी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं दे सकती हैं अब दो पार्टीज हैं सपोज करो ए और बी उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया कि चलो हम चलते हैं बंबई और बंबई वाले कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर देंगे अब जब बंबई वाले कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है तो आप कैसे फिर फाइल कर दोगे तो पॉइंट ये है कि कभी भी पार्टीज आपस में चाहे तो किसी भी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं दे सकती और ना ही किसी भी कोर्ट से जुरिस्डिक्शन ले सकती हैं ये आम इंडिविजुअल का काम नहीं है ये लेजिस्लेटिव फंक्शन है तो सेक्शन ट्वेंटी थ्री सेक्शन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी एट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं सेक्शन और ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही कहते हैं कि पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करके किसी भी कोर्ट से ना ही जुरिस्डिक्शन ले सकती है ना ही जुरिस्डिक्शन उसको दे सकती है दिस विल बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया दिस विल बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया ठीक है

डिसाइड कर सकता है जितनी उसकी पैक्यूनरी लिमिट है कोई भी के, कोर्ट जो है सिर्फ उतने ही रुपए तक के केस को डिसाइड uh, कर सकता है जितनी उसकी पैक्यूनरी लिमिट है अब पैक्यूनरी लिमिट कितनी है वो आपका बताएगा पंजाब कोर्ट्स एक्ट मैंने आपको पहले ही बता दी है दिल्ली के अंदर लिमिट तीन लाख दो करोड़ और दो करोड़ से ऊपर लेकिन किसी भी केस का ये कैसे पता चलेगा कि वो केस कितने पैसे का है अब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा द सूट्स वैल्यूएशन एक्ट सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 18 दिस इज योर 1887 सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 अब सूट्स वैल्यूएशन एक्ट कहता है कि सब्जेक्ट मैटर यहां पर लिखा है पर आप इसको अंडरलाइन कर करके लिख सकते हैं रिलीफ क्लेम्ड रिलीफ क्लेम्ड तो सूट्स वैल्यूएशन एक्ट ये कहता है कि किसी भी सूट में कितना रिलीफ मांगा गया है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज वेरी जनरल वेरी सिंपल रूल इसमें बहुत ही एक्सेप्शन है पर आप, आप, आपको एक्सेप्शन पे नहीं जाना है अनलेस एंड अंटिल आपके सिलेबस में सूट वैल्यूएशन एक्ट हो अदरवाइज आपको बिल्कुल नहीं जाना है तो सूट वैल्यूएशन एक्ट क्या कहता है जितने पैसे का आप रिलीफ मांगोगे उतना ही उस सूट की वैल्यू है तो आपको सूट की वैल्यू को चेक करना है कि क्या वह कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है तो अगर आपने किसी कोर्ट से किसी केस में आपने पांच लाख रुपए के रिलीफ मांगे हैं तो वो आप सिविल जज के सामने फाइल नहीं कर सकते आपको डिस्ट्रिक्ट जज के सामने करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली के अंदर सिविल जज सिर्फ तीन लाख रुपए तक के सूट्स को डिसाइड कर सकता है उसके बाद आपका सेक्शन सेवन इज प्रोविंशियल स्मॉल कोजिस कोर्ट एंड सेक्शन एट इज प्रेजिडेंसी स्मॉल कोजिज कोर्ट ये आपको खुद पढ़ने हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज योर सेक्शन नाइन जो आपको सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन बताता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज गेट वे टू सिविल कोर्ट्स गेट वे टू सिविल कोर्ट्स और देखिए सिविल कोर्ट्स किस प्रकार के केसेस को डील कर सकते हैं सिविल कोर्ट किस प्रकार के केसेस को डील कर सकते हैं इसका आंसर इज सूट ऑफ सिविल नेचर अब आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि यहां पर सिविल सूट वर्ड यूज नहीं किया गया है सिविल सूट जो है आपकी हेडिंग में यूज किया गया है तो सिविल सूट जो है वो छोटा शब्द, शब्द so, आपसे पूछे कि सिविल कोर्ट्स की ज्यूजिस्डिक्शन सब्जेक्ट मैटर जुडिस्डिक्शन यानी वो किस प्रकार के केसेस को डील कर सकते हैं द आंसर इज ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर ठीक है ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर को डिसाइड कर सकते हैं अब जब मैं कह रहा हूं ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि कोई भी सिविल कोर्ट किसको डिसाइड नहीं कर सकता किसी भी क्रिमिनल केस को तो अगर कोई क्रिमिनल केस है वो सिविल कोर्ट्स में नहीं फाइल होगा इसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल केस है प्योरली पॉलिटिकल या इसके अलावा कोई सोशल या फिर कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सिविल कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा या फिर कोई मॉरल मॉरल इशू है या फिर कोई आ, आपका रिलीजियस इशू है सपोज करो आप कोर्ट को जाकर के कहें कि राखी लेफ्ट हैंड पे बांधनी चाहिए कि राइट हैंड में बांधनी चाहिए कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा क्यों दिस इज अ प्योर रिलीजियस इशू दिस इज अ प्योर रिलीजियस इशू तिलक आपको यहां तक लगाना है कि पूरा लगाना है ये कोर्ट्स नहीं बताएंगे दिस इज अ प्योर रिलीजियस क्वेश्चन ठीक है तो सिविल कोर्ट्स जो हैं, आपके क्रिमिनल केसेस सिमिलरली एबी का मर्डर कर दिया है तो सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा कि उसको मर्डर कर दिया है कि नहीं कर दिया है वो किस प्रकार के केसेस को डिसाइड करेगा ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर इसके अलावा आपको दो चीजें ध्यान रखनी है पहला तो यहां पे लिखा है सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस हियर इन कंटेड मतलब कि सीपीसी के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोविजंस लिखे हुए हैं जो कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को लिमिट कर देते हैं सीपीसी के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन है फॉर एग्जांपल सेक्शन टेन इलेवन 12 ऑर्डर 2 रूल 2 एटसेट्रा अब ये सारे सेक्शंस जो हैं वो सिविल कोर्ट्स की जो जूरिस्डिक्शन है टू ट्राई एनी सूट उसको लिमिट कर देते हैं तो यह सेक्शंस भी आपको यहां पर पढ़ने होते हैं इसके अलावा दूसरी लिमिट क्या है एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज बार्ड जिनकी कॉग्निजेंस बार्ड है अब ये जो बार है कॉग्निजेंस के ऊपर बार ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और दिस कैन बी इंप्लाइड ऑल्सो दिस कैन बी एम्प्लाइड बार ऑल्सो अब ये बार क्या होता है बार का मतलब ये है कि कोई स्पेशल लॉ है देर इज अ लोकल और स्पेशल लॉ जिसमें साफ लिख दिया है कि भाई सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल टैक्स जो टैक्स ऑथोरिटीज जो होती हैं कई टैक्स से संबंधित मैटर्स आपके वो रेवेन्यू कोर्ट्स या फिर टैक्स की कोर्ट्स ही डिसाइड करेंगी टैक्स की कोर्ट ही डिसाइड करेंगी फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स अपीलेट ऑथॉरिटी या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वही डिसाइड करेंगे सिविल कोर्ट्स नहीं करेंगे इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है आपका फैमिली कोर्ट्स फैमिली कोर्ट्स तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन सेवन है जो कि कहता है कि अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं तो आपको फैमिली कोर्ट्स में ही फाइल करने हैं सिविल कोर्ट्स डिसाइड नहीं कर सकते अगर आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसके अंदर सेक्शन सेवन है फैमिली कोर्ट एक्ट का जो साफ साफ कहता है कि अगर मेट्रीमोनियल डिस्प्यूट है तो उससे रिलेटेड कोई भी सूट या फिर कोई भी इंजंक्शन है आपकी कौन डिसाइड करेगा फैमिली कोर्ट डिसाइड करेंगे सिविल कोर्ट्स डिसाइड नहीं कर सकते उसके अलावा देखिए आपके रेवेन्यू के जो कोर्ट्स हैं या फिर आपके ट्राइबुनल्स हैं या फिर एक लिमिटेशन एक्ट भी है लिमिटेशन एक्ट लिमिटेशन एक्ट भी सूट्स की कोग्निजेंस लेने की पावर को लिमिट कर देता है वो भी कहता है कि सूट्स जो है वो डिसमिस हो जाएंगे अगर लिमिटेशन के बाद आपने फाइल किए ठीक है।, है तो ये सारे जो है बार लगाते हैं ऑल दीज क्रिएट्स बार अपॉन दावर ऑफ द सिविल कोर्ट टू ट्राई अट ठीक है अब उसके अलावा देखिए दो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़नी है आ, वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन कई बार पूछ सकते हैं सो एक्सप्लेनेशन नंबर वन कहती है कि कोई भी डिस्प्यूट है जिसके अंदर आपका राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू ऑफिस इंक्लूड है तो यह दोनों मुद्दे जो हैं आपके दे आर सूट्स ऑफ सिविल नेचर तो सिविल कोर्ट ही डिसाइड करेगा दे आर सूट्स ऑफ सिविल नेचर तो सिविल कोर्ट्स ही डिसाइड करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस इंक्लूडेड है तो सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा भले ही ये जो राइट्स हैं भले ही ये जो राइट्स हैं ये आपके सोशल या फिर रिलीजियस क्वेश्चन पर डिपेंड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर राइट टू प्रॉपर्टी है और राइट टू ऑफिस है तो भले ही वो सोशल या रिलीजियस क्वेश्चन पे डिपेंड करें फिर भी उसको सिविल कोर्ट ही डिसाइड करेंगे क्योंकि मान लिया जाएगा कि ये सारे के सारे सूट्स हैं ये सूट्स ऑफ सिविल नेचर है अब ये राइट टू ऑफिस के बारे में है आपकी एक्सप्लेनेशन नंबर टू एक्सप्लेनेशन नंबर टू कहती है कि ऑफिस के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसकी कोई फीस अटैच्ड हो या कोई सैलरी हो और यह भी जरूरी नहीं है कि कोई प्लेस हो ऑफिस के लिए केवल एक ही चीज जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज ऑफिशियल ड्यूटीज यह जरूरी नहीं है कि आपकी कोई फीस मिलती हो आपको या फिर कोई एक जगह पर बैठ करके ही नौकरी करनी है नो ठीक है 10. Section 10. Section 10 क्या कहता है दैट नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद Proceed प्रोसीड विद trial. trial का क्या मतलब है कि वो ट्रायल को कंटिन्यू नहीं करेगा देखिए इसमें ये नहीं कह रहा है कि ट्राई ही नहीं करेगा वो ऐसे नहीं कह रहा है कि ट्राई नहीं करेगा वो सिंपल ये कह रहा है कि ट्रायल के साथ प्रोसीड नहीं करेगा इसका मतलब होता है कि सूट पर स्टे लग जाएगी दिस इज ऑल्सो नोन एज रेस सब जुडिस रेस सब जुडिस इसका मतलब है कि एक ऐसा केस है एक ऐसा मैटर है जो कि किसी किसी कोर्ट में पेंडिंग है एक ऐसा मैटर है जो किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो सेक्शन टेन देखिए क्या कहता है सेक्शन कहता है कि एक है। एक है और एक प्रेजेंट सूट है एक प्रेजेंट सूट है तो प्रेजेंट सूट में आपकी स्टे लग जाएगी प्रेजेंट सूट में आपकी क्या लग जाएगी स्टे लग जाएगी द कोर्ट विल नॉट प्रोसीड विद द ट्रायल ऐसा कब होगा ऐसा तब होगा जब जो पहले वाला जो सूट है पहले वाला जो सूट है वो उसके अंदर सेम मैटर इन इशू है सेम मैटर इन इशू है और वो सेम जो मैटर इन इशू है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटांशियली इन इशू मतलब इंसिडेंटली या कोलेटरली इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली इन्वॉल्व है दूसरी चीज पार्टीज भी सेम है पार्टीज आर ऑल्सो सेम पार्टीज हैं या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं तीसरी चीज वो जो पार्टीज ने जो केस किया है वो सेम टाइटल में किया है टाइटल इज ऑल्सो सेम टाइटल इज ऑल्सो सेम और चौथी ये है कि जो प्रीवियस कोर्ट है प्रीवियस कोर्ट है दैट इज अ कॉम्पिटेंट कोर्ट दैट इज अ कॉम्पिटेंट कोर्ट सो जो प्रीवियस सूट फाइल हुआ है आपका या फॉर्मर सूट फाइल हुआ है उस सूट को डिसाइड करने के लिए यह कोर्ट कॉम्पिटेंट है तो अगर ये चार सिचुएशंस है तो प्रेजेंट सूट अगर आपने सेम सेम फाइल कर दिया है सेम पार्टीज के बीच में सेम टाइटल में तो यहां पर स्टे लग जाएगी तो कोर्ट वेट करेगा कि भैया पहले इस सूट को डिसाइड हो जाने दो पहले इस सूट को डिसाइड हो जाने दो इस सूट को डिसाइड हो जाने दो अब इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सामने निकल के आता है हमने ये तो देख लिया कि प्रेजेंट सूट पर स्टे होगा लेकिन ये फॉर्मर सूट होगा कौन सा अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि फॉर्मर सूट उस सूट को माना जाएगा जो कि पहले फाइल कर दिया गया है जो कि पहले फाइल कर दिया गया है सो डेट ऑफ फाइलिंग से डिसाइड होगा जो सूट पहले फाइल कर दिया गया है वो फॉर्मर सूट है जो सूट पहले फाइल कर दिया गया है वो वो फॉर्मर सूट है फॉर सेक्शन टेन और आपको इस पर ध्यान देना है ये सिर्फ सेक्शन दस के लिए है ये केवल सेक्शन दस के लिए है दूसरी चीज आपको जो इस पे ध्यान देनी है वो इसकी एक्सप्लेनेशन है जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो ये फॉर्मर सूट है अगर किसी फॉरन कोर्ट में पेंडिंग है अगर किसी फॉरन कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर सेक्शन टेन के सेक्शन टेन अप्लाई नहीं होगा सो so, किसी फॉरन कोर्ट में अगर कोई सूट पेंडिंग है तो फिर उससे इंडियन कोर्ट्स में स्टे नहीं लगेगा उससे इंडियन कोर्ट्स में स्टे नहीं लगेगा दैट इज योर सेक्शन टेन अभी जो पॉइंट्स बताए हैं Uh, यही सेम पॉइंट्स जो है हमारे सेक्शन 11 में भी कंटिन्यू हो जाएंगे लेकिन कुछ डिफरेंस के साथ अब देखिए सेक्शन 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा या फिर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा या फिर एस्टोपल पर रेम अब काटा का जो प्रिंसिपल है वो देखिए क्या कहता है उसके अंदर भी सेम सिचुएशन है एक फॉर्मर सूट है एक फॉर्मर सूट है और एक प्रेजेंट सूट है एक फॉर्मर सूट है और एक प्रेजेंट सूट है तो पहला जो डिफरेंस है सेक्शन टेन और इलेवन में मैं आपको दो तीन डिफरेंस इंपॉर्टेंट बताऊंगा पहले डिफरेंस बता देता हूं पहले चलो पहले सिमिलैरिटीज देख लेते हैं अब सिमिलैरिटीज तो सेम ही है कि फॉर्मर सूट में और प्रेजेंट सूट में क्या क्या सेम होना चाहिए सबसे पहले सबसे पहले तो सेम मैटर इन इशू होना चाहिए सो मैटर इन इशू मस्ट बी सेम ये मैटर इन इशू जो है वो डायरेक्टली एंड सब्सटांशली इशू में भी होना चाहिए पार्टीज या फिर उनके एल भी सेम होने चाहिए ठीक है उनका टाइटल भी सेम होना चाहिए टाइटल और करेक्टर मस्ट ऑल्सो भी सेम तो ये सब चीजें तो बिल्कुल सेम है सेक्शन टेन में और इलेवन में लेकिन जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं पहला डिफरेंस जो है फर्स्ट डिफरेंस इज कि सेक्शन टेन में केवल सूट के ऊपर या फिर ट्रायल के ऊपर स्टे लगता है लेकिन 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 सेक्शन इलेवन में आपका सूट पे भी रेहडुडी काटा लगता है और इशू पर भी रेसुडी काटा लगता है इज एज इशू एस्टोपल तो सूट पर भी भी पूरे पूरे के पूरे केस पे भी लग सकता है और केवल एक इशू पर भी रेस काटा लग सकता है दूसरा डिफरेंस दूसरा डिफरेंस देखिए सेक्शन टेन में क्या होता है स्टे तो केस को खत्म नहीं कर देते खारिज नहीं कर देते हैं सिर्फ स्टे लगता है लेकिन सेक्शन इलेवन में क्या है नो वर्ड जो लिखे हुए हैं वो ये लिखा हुआ है द नो कोर्ट शेल ट्राई तो आपका जो सूट है इट विल विल बी बी योर सूट उसको खारिज कर दिया जाएगा दूसरा डिफरेंस तीसरा जो डिफरेंस है आपका सेक्शन uh, 11 में और सेक्शन 10 में दैट इज सेक्शन 10 में हमने पढ़ा कि जो फॉर्मर कोर्ट है इट मस्ट बी कॉम्पिटेंट वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए लेकिन सेक्शन इलेवन में जो है सेक्शन इलेवन के अंदर कॉन्करेंट करंट जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए अब ये कॉन्करेंट करंट जुरिस्डिक्शन क्या मतलब है कौन करंट जुरिस्डिक्शन का क्या मामला है कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन का मामला ये है कि जो ये फॉर्मर कोर्ट है जो ये फॉर्मर कोर्ट है इट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सबसिक्वेंट सूट सो पहले वाले कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पहले वाला सूट डिसाइड करने के लिए नहीं होनी चाहिए पहले वाले कोर्ट की जो रिस्डिक्शन होनी चाहिए कि वो अब वाला सूट डिसाइड कर दे दिस इज नोन एज कॉन्करेंस ऑफ जोरिस्टिक्शन एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सेक्शन टेन एंड एलेवन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है तो कॉन्करेंट जो रिस्डिक्शन होनी चाहिए पहले वाला कोर्ट प्रेजेंट सूट को डिसाइड कर दे प्रेजेंट सूट को डिसाइड कर दे और इसके अलावा जो चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दैट इज कि ये फॉर्मर इंपौर सूट किसको माना जाएगा फॉर्मर सूट किसको माना जाएगा सो फॉर्मर सूट माना जाएगा जो पहले डिसाइड हो गया है विच वॉज डिसाइडेड। अब देखिए सेक्शन टेन में हमने फॉर्मर सूट किसको माना था जो पहले फाइल हुआ था जो पहले फाइल हुआ था सेक्शन इलेवन में हम फॉर्मर सूट किसको मानते हैं जो पहले डिसाइड हो गया है सो सो सेक्शन सेक्शन टेन में फॉर्मर सूट है जो पहले फाइल हुआ था और सेक्शन इलेवन में फॉर्मर सूट है जो पहले डिसाइड हो जाएगा सेक्शन टेन में पहले फाइल सेक्शन इलेवन में पहले डिसाइड दिस इज योर एक्सप्लेनेशन नंबर वन दिस इज योर एक्सप्लेनेशन नंबर वन दिस इज योर एक्सप्लेनेशन नंबर वन इसके अलावा पांचवा जो डिफरेंस है वो ये है कि रेस जू अप्लाई होने के लिए सेक्शन इलेवन में हर्ड एंड फाइनल डिसीजन होना चाहिए हर्ड एंड फाइनल डिसीजन होना चाहिए अब देखिए सेक्शन टेन में तो जो फॉर्मर सूट था सेक्शन टेन में जो फॉर्मर सूट था इट वॉज पेंडिंग पहले से जो सूट था इट वॉज पेंडिंग वो डिसाइड नहीं हुआ था लेकिन सेक्शन इलेवन में जो पहले वाला सूट है इट मस्ट बी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड इट मस्ट बी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड तो उसको सुनना है पहले तो दोनों पार्टीज को और फाइनली डिसाइड करना है ऑन मेरिट्स मेरिट्स पर डिसाइड करना है मेरिट्स पर डिसाइड करना है अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर कोई सूट अबेट हो गया है अपने आप से खत्म हो गया है क्या उस पर काटा लगेगा नो no. क्योंकि अगर सूट अपने आप से खत्म हो गया तो इसका मतलब कोर्ट ने तो सुना ही नहीं मेरिट्स पे डिसाइड किया ही नहीं सिमिलरली कॉम्प्रोमाइज डिक्री आ गई है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास हो गई है सो कॉम्प्रोमाइज डिक्री का मतलब है पार्टीज ने आपस में ही मिलजुल करके फैसला कर लिया है कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है इन दैट सिचुएशन ऑल्सो रेस जुडी काटा विल नॉट अपलाई रेस जुडिकाटा अपलाई नहीं करेगा सो so आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि रेह जुडिकाटा सिर्फ अप्लाई करेगा जब आपने पहले वाले सूट को सुन भी लिया है और डिसाइड भी कर दिया है ऑन मेरिट्स ऑन मेरिट्स राइट नाउ योर टाइम इज अप अब आज का हमारा जो टारगेट था वो सेक्शन 12 तक करने का था लेकिन अभी हम जो है सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन नंबर वन तक ही करा है हमने सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन इलेवन एक्सप्लेनेशन नंबर टू तो आज हम यहीं पर रुकेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन इलेवन की एक्सप्लेनेशन नंबर टू से ठीक है सो विश यू अ वेरी 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 गुड नाइट एंड सी यू ऑल टुमोरो एट द सेम टाइम प्लीज ट्राई करके आना है कि आप कुछ सेक्शंस को पढ़ करके आए और हम जो है आपको रिविजन थोड़ा फास्ट ट्रैक करेंगे कल और ज्यादा तो आपको रिवाइज करने का मतलब है कि आपने कुछ पहले से पढ़ रखा है आप रिवाइज कर रहे हैं उसका फायदा तभी होगा जब पहले से पढ़ करके आएंगे और हाथ में अपना एक्ट रखेंगे राइट सो अ वेरी गुड नाइट एंड सी यू टुमारो थैंक यू